हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 सीरीज और सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 के कुछ लेटेस्ट लीक्स के बारे में। तो माई स्मार्ट प्राइस ने रिसेंटली रिपोर्ट किया है कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 प्लस का नाम सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा होगा। इसका सीधा मतलब ये हो सकता है कि नोट 20 सीरीज में नोट 20 और नोट 20 अल्ट्रा नाम के दो फोन लॉन्च हो सकते हैं। यहाँ पर नोट 20 प्लस वेरिएंट अभी तक कंफर्म नहीं है। अगर कैमरा की बात करें तो आइस यूनिवर्स ने सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा का कैमरा सेटअप रिवील किया है, जिसके अकॉर्डिंग सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा में प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल सैमसंग ब्राइट HM1 सेंसर देखने को मिल सकता है f1.33 अपर्चर के साथ। लीक है कि इस बार नोट 20 अल्ट्रा में S20 अल्ट्रा की तरह 100x डिजिटल जूम देखने को ना मिले, जिसका रीजन ये है कि डिजिटल जूम के पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से सैमसंग 100x डिजिटल जूम को स्किप कर रहा है और ऑप्टिकल जूम की क्वालिटी नोट 20 अल्ट्रा में इम्प्रूव कर रहा है। दूसरा कैमरा 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस f2.55 अपर्चर के साथ और तीसरा कैमरा 13 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस f3.4 अपर्चर के साथ देखने को मिल सकता है। S20 अल्ट्रा में 48 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस देखने को मिला था, लेकिन नोट 20 अल्ट्रा में 13 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस यूज हो सकता है। मेरे ओपिनियन में 13 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस अगर सैमसंग यूज करता है तो सैमसंग सॉफ्टवेयर के थ्रू इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहता है, जिससे आपको S20 अल्ट्रा के 48 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस से बेटर इमेज मिल सके। जबकि नोट 20 अल्ट्रा में फोर्थ कैमरा लेजर ऑटोफोकस सेंसर हो सकता है टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर की जगह, जो कि S20 अल्ट्रा में यूज हुआ था। अभी रिसेंटली S20 अल्ट्रा में ऑटोफोकस का इशू आ रहा था, जिसकी वजह से वीडियो शूटिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। सो इसी वजह से सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा में टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर की जगह लेजर ऑटोफोकस सेंसर का यूज कर सकता है, जिससे वीडियो शूटिंग के दौरान ऑटोफोकस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि पेपर में सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा की कैमरा स्पेसिफिकेशन S20 अल्ट्रा से बेटर नहीं है, लेकिन डेफिनेटली सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा से बेटर कैमरा क्वालिटी देगा, क्योंकि सैमसंग की सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग कैमरा डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी है। सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 सीरीज के अनपैक्ड इवेंट की कुछ लीक सामने निकल के आई है। फेमस टिप्स्टर आइस यूनिवर्स ने बताया है कि सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट 5 अगस्त को हो सकता है और ये इवेंट पहली बार ऑनलाइन होने जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया बहुत बड़े पैंडेमिक से सफर कर रही है। मैक्स वेनबैक ने बताया है कि इस ऑनलाइन इवेंट में सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 5G, सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2, सैमसंग गैलेक्सी वॉच 3, सैमसंग गैलेक्सी टैब 7, सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स X, सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 सीरीज जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च होंगे। अगर सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 की बात करें तो लेटेस्ट रिपोर्ट्स बता रही है कि सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 का फ्रंट पैनल 6.32 इंचेस का हो सकता है, जबकि इनसाइड में डिस्प्ले 7.6 इंच का फुल HD प्लस डायनेमिक AMOLED 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले हो सकता है। सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 में नोट 20 सीरीज की तरह एस पेन का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। देखने वाली बात यह होगी कि एस पेन के यूज से डिस्प्ले की ड्यूरेबिलिटी पर असर पड़ेगा या नहीं, क्योंकि रूमर्स ऐसे भी आ रहे थे कि सैमसंग फोल्ड 2 में एस पेन को डिच कर सकता है डिस्प्ले की ड्यूरेबिलिटी प्रॉब्लम की वजह से। तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 सीरीज और सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 को लेकर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे ऐसी टेक्नोलॉजी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।